हैदराबाद में ब्यूटी पार्लर में एक महिला को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। बाल धुलवाते समय ब्रेन स्ट्रोक आया, दिमाग की नसों को दबाया गया यानी दिमाग की नसें दब गई, इस वजह से यह स्ट्रोक आया। बेसिन की ओर गर्दन के झुकाव से यह स्ट्रोक आया। दरअसल बेसिन की तरफ जब वो महिला गर्दन झुकाकर बैठी थी तभी उसकी कोई नस दब गई और इससे उसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया। 50 साल की इस महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो अगर हम और आप जो सलून जाते हैं तो तमाम तरह की वहां जो उनसे सर्विसेज लेते हैं, कोई बाल कटाता है, कोई हेयर वॉश करवाता है, कोई मसाज लेता है, तो ये जो मसाज के दौरान जो ये चेहरा घुमाए गर्दन घुमाई जाती है या फिर हेयर वॉश के दौरान जब हम सर पीछे करके बेसिन की तरफ अपना सर करते हैं और उसके बाद जब वहाँ अपना हेयर वॉश करवा रहे होते हैं उस वक्त बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि 1993 में ये मामला सामने आया था। इसको ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम कहते हैं और कई लोगों के साथ ये हो चुका है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये एक सिंड्रोम है, ये बहुत बड़ा मामला है और 1993 में सबसे पहले अमेरिका में आया था सामने और उसके बाद डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। आइए जल्दी से आपको बिग बॉल पर इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं और फिर कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से आपको सलाह दिलवाएं। देखिए, हम सबको सलून तो जाना पड़ेगा, ब्यूटी पार्लर जाने से बच नहीं सकते, तमाम तरह की वहां पर हम लोगों को जरूरतें होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। तो इनसे बचा कैसे जाए, कैसे इस सिंड्रोम का शिकार होने से बचें, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहले आप इसकी पूरी खबर को समझिए। दिमाग की नसों पर दबाव पड़ने से स्ट्रोक आता है और वो कई कारण हो सकते हैं उस दबाव के। बेसिन में बाल धुलवाने के दौरान खतरा है ये कहा गया। इसके अलावा दिमाग के कुछ हिस्सों में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है अगर वहां पर नस दब जाती है तो, और इसीलिए ब्रेन ये स्ट्रोक जिसको ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम कहते हैं उसके आप शिकार बन सकते हैं, इसलिए आपको इसका ख्याल रखना है। ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होती है, इससे स्ट्रोक आ सकता है। इसके अलावा सिंड्रोम का पहला केस अमेरिका में 1993 में आया था। भारत में इस सिंड्रोम के बहुत कम केस हैं लेकिन मामला सामने आया है, इसलिए हमें अब सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर का कहना है कि यहां पर हम लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।